Good morning, my little Chinarians. Hope you all are fit and fine. So today we will continue the same chapter, that is chapter number 7, Safety Rules. See these pictures? These all pictures rememberize you about all that safety rules which you had learned. So आज आप हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे. सो गो एंड ब्रिंग योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 63 एंड लेट्स फ्लाई टू द असेसमेंट जोन नाउ. ओके, नाउ असेसमेंट जोन एक्सरसाइज ए वी ऑलरेडी डन ड्यूरिंग अ लाइव क्लास. सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज बी. That is, fill in the blanks using the words given in the box. So, see the box. These are the words which are given in the box. Aur in words se aapko correct answer dhoondna hai. Like safety rule, kiska answer hai? Ye aapko batana hai. Knives, plates, scissors, medicines. Okay? Ye sare aapke answers hai jo usko करेक्ट प्लेस में आपको सेट करने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, ऑलवेज पुट योर थिंग्स बैक टू देयर करेक्ट डैश. नथिंग, व्हाट विल बी द आंसर? बॉक्स में से देखो क्या क्या दिया हुआ है वर्ड्स. यस, यू ऑल आर करेक्ट. द आंसर इज प्लेस. ये आ गया प्लेस अपनी प्लेस में, है ना? Now, number two. Come to number two. Number two is, first I have written all the words here again. Now, number two, we should follow dash to avoid accidents and getting hurt. Now, what will be the answer here? Yes, you all are correct. Safety rules. The safety rule apni place mein aa gaya wapas. We should follow safety rules to avoid accidents and getting hurt. Okay? Safety rules are what? We should follow it to avoid accidents and getting hurt. So, number three. Do not take डैश ऑन योर ओन. क्या चीज़ हमको खुद से नहीं लेनी चाहिए, मम्मी पापा से पूछ के लेनी चाहिए? सोचो. यस, याद आ गया मैम ने क्या बताया था. वी डू नॉट टेक मेडिसिंस ऑन योर ओन. ये मेडिसिन आ गया अपनी प्लेस में. नाउ नंबर फोर. अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं ऊपर. लेट्स सी कौन सा कहाँ पे आएगा. Do not touch sharp objects like dash and dash. So nothing. What will be here? यहाँ पे क्या आंसर आएगा? What answer will come here? Yes. Only two options are there. और ये दोनों option इसी के ही हैं. इसके ही answer है तो knives and scissors. So do not touch sharp objects like knives and scissors. Now come to exercise C. Match the following. Now you have to match the correct word. जो number one है उस 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है उसको match करना है A B C D E से. A B C D E सबको आती है ना, तो इसको हमें करेक्ट मैच करना है. वॉकिंग, हमें कहाँ पे वॉकिंग के सामने देखो अपनी बुक में क्या आंसर दिया हुआ है. डू नॉट रब, ये मैच कर रहा है कहीं से? नो, ये तो रॉन्ग है. यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा? थिंक. यस, यू ऑल आर करेक्ट. सी विल कम हियर. यूज फुटपाथ. वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ. नाउ नंबर टू, क्रॉसिंग द रोड. इसके सामने क्या दिया हुआ है? लाइट विथ एन एडल्ट. इज दैट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट.
क्या आंसर आएगा? बी तो हटाओ यहाँ से, यहाँ पर आएगा यस यू आर करेक्ट डी, यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट में, ये आ गए हम नेक्स्ट में, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इसके सामने क्या दिया है? यूज फुटपाथ। ये तो हमारा हो गया, तो सबको पता है ये इसका आंसर नहीं है, तो इसको हटाओ। अब इसका आंसर आ गया ई, डू नॉट टच विथ वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिक वायर्स को कभी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, वरना हम उसी में पेस्ट हो जाएंगे। ओके, करंट आ जाएगा ना आपको। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4 क्रैकर्स। दिवाली की याद आ गई सबको, सबको पता है ना दिवाली आने वाली है। ओके, क्या क्रैकर्स आपको खुद से चलाने चाहिए? नहीं, कैसे चलाने चाहिए? लेट्स लर्न। इसके सामने दिया हुआ है यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये तो रॉन्ग है, इसको हटाओ। नंबर 4 का आंसर क्या होगा? यस बी, लाइट विद एन एडल्ट। यस वेरी गुड, हमको हमेशा क्रैकर्स अपने एडल्ट के साथ चलाने चाहिए। नाउ नंबर 5 होली कलर्स। होली कलर्स इसके सामने क्या दिया हुआ है? डू नॉट टच विथ वेट हैंड, ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये हो भी चुका है। ओके, होली कलर्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी ए, डू नॉट रब। अब हमको किसी के भी जोर से रगड़ रगड़ के कलर नहीं लगाने चाहिए होली के, उसकी आइज में भी जा सकता है, उसकी आइज को हार्म भी हो सकता है। ओके, हमेशा हमको अच्छे से प्यार से होली खेलनी चाहिए। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सेफ्टी रूल्स वेरी वेल, तभी तो आपने एक्सरसाइज इतनी जल्दी से कर ली। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज डी। अप टिल देन, बाय बाय। गुड मॉर्निंग माई लिटिल।